हेलो फ्रेंड्स, संध्या फ्लेवर जंक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छेना मुर्गी। ये मिठाई मेरी फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको भी ये मिठाई पसंद है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर भी जल्दी से कर दीजिए। तो आइए जल्दी से हम इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम पनीर ले लिया है, ये फ्रेश पनीर है। इसके अब हम पीसेस जो काटेंगे वो क्यूब शेप में काटेंगे, और हमें एक बात का ये ध्यान रखना है कि पीस ज़्यादा मोटे नहीं हो और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हो, नहीं तो वो चीनी में घुल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो ताकि उस पर चीनी की कोटिंग अच्छे से आ सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये इतने बड़े पनीर के साइज़ काटे हैं, तो आप भी कोशिश करिएगा कि इतने बड़े साइज़ आपके पनीर के रहें, इससे ज़्यादा छोटे ना हों और इससे ज़्यादा बड़े पनीर के साइज़ ना हों। तो हम इनको काट लेते हैं। मैं सारा पनीर काटने के बाद आपसे मिलती हूँ। इसी के साथ में मैंने ये चीनी ले ली है, ये चीनी लगभग 300 ग्राम के करीब है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हमारा पनीर है उसे थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो। अब हम इस चीनी को इस बर्तन के अंदर डाल देते हैं चाशनी बनाने के लिए, और मैंने ये आधा कप पानी इसके अंदर डाल दिया है ताकि इसकी अच्छे से चाशनी बन सके। थोड़ा सा इसको बीच में से चला लेते हैं हम, ताकि हमारी चीनी एकदम जलने ना लगे। बस अब ये चीनी थोड़ी सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसी टाइम पर हम इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने 4 इलायची ली हैं, इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे, थोड़ा दरदरा कूटेंगे, और इसके छिलके हम निकाल लेंगे ताकि वो मुंह में ना आए। और जैसे कि आप देख सकते हैं छिलके मैंने निकाल लिए हैं, और बीज जो हैं इसके अच्छे से हमारे पिस चुके हैं। इसको हम अपनी चाशनी के अंदर ऐड करेंगे। अब तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी चाशनी में चीनी घुल चुकी है, अब इसे इलायची पाउडर को हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको जब तक उबालेंगे जब तक एक तार की चाशनी हमारी बन नहीं जाती, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो चाशनी है अच्छे से ठीक हो जाए। इसको बस हमने ये बात का ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है। और इसी के साथ मैं इसके अंदर आधा ढक्कन ये गुलाब जल का ऐड कर दूँगी। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं, इसके लिए हम इसमें डालते हैं। अब इसको बस हमने चाशनी को चलाते रहना है ताकि एक तार की चाशनी बन जाए। आप जैसे देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये चाशनी एक तार की चाशनी अभी बनी है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तार इसमें बन पा रहा है। बस इसी टाइम पर हमारे को इसमें पनीर डालना है। अब इसके अंदर हम अपने जो हमने पनीर को क्यूब साइज़ में काटा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। गैस को सिम कर देंगे ताकि हमारी चाशनी जलने ना लगे। अब हम गैस को तेज़ आंच पर इसको कर लेंगे और इसको चलाते रहेंगे। अब बस हमारे को यही ध्यान रखना है कि पनीर डालने के बाद इसको हल्के हाथ से हमें चलाना है ताकि हमारा पनीर जो है टूटे नहीं, और जो चीनी है उसकी कोटिंग भी अच्छे से हमारे पनीर के ऊपर आ जाए। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाशनी हमारी पतली है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये चीनी की चाशनी जो है थिक होगी वैसे वैसे कोटिंग इसके ऊपर आने लग जाएगी पनीर के ऊपर। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि धीमे हाथ से हमारे को इसको चलाते रहना है ये, क्योंकि अगर हम इसको साथ साथ नहीं चलाएंगे तो पनीर की के ऊपर जो चीनी की चाशनी की कोटिंग है वो आ नहीं पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर काफ़ी बबल्स आ चुके हैं, तो बस अब ये ठीक होनी स्टार्ट हो चुकी है। बस हमारे को धीमे हाथ से इसको बस चलाते ही रहना है। आप जैसे देख सकते हैं कि चाशनी भी काफ़ी ठीक होनी स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे ही करते हुए ये चाशनी काफ़ी ठीक हो जाएगी और इसके ऊपर काफ़ी बबल्स आ जाएंगे। ये 10 से 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बस हमें लेकिन इसी बात का ध्यान रखना होता है कि इसको धीमे हाथ से हमारे को चलाते रहना होता है ताकि कोटिंग अच्छे से इसमें आ सके चीनी पे। बस तो हम इसको चलाते ही रहेंगे जब तक।
तो लगातार 5 से 7 मिनट चलाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक हो चुकी है इसकी चाशनी। मैं आपको इसको दिखा भी रही हूँ। अब आपको जब ये आपको चाशनी ऐसे वाइट कलर की दिखने लग जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट कलर की, जब तक चाशनी आपको दिखने लग जाए, आपको जब तक इसको पकाना है, जब तक इसकी चाशनी हल्के दूध की कलर की ना हो जाए, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक आपको इसको पकाते रहना है। और बस इसी टाइम पर आपको जब लग रहा है कि आपकी ये गाढ़ी हो चुकी है काफ़ी चाशनी और ये वाइट कलर की हो चुकी है, तो हमारे गैस को बंद कर देना है। और बस इसको लगातार हमने तब भी चलाते ही रहना है गैस बंद करने के बाद भी। अब ये 2 से 4 मिनट के अंदर ही ये जो चाशनी है हमारी थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी चलाते चलाते में ही। तो बस हमारे को गैस बंद करने के बाद भी चलाते ही रहना है इसको। तो थोड़ी देर चलाने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं ये गाढ़ी होनी स्टार्ट हो चुकी है और ये काफ़ी थिक हो चुकी है। चीनी जो है ये काफ़ी सूख गई है और चीनी की कोटिंग इसके ऊपर आने लग गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चीनी जो है इसके ऊपर पूरे अच्छे से पनीर के ऊपर चढ़ चुकी है, अच्छे से कोटिंग इसकी हो चुकी है और ये छैना मुर्गी हमारी तैयार हो चुकी है। बस इसकी बनने की पहचान यही है कि चीनी जो है एकदम सूखकर पाउडर हो जाती है। मैं इसके कुछ पीसेस आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एकदम तैयार है हमारी छैना मुर्गी। हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और जो ये हमारी चीनी का पाउडर बच गया है, इसको हम किसी भी स्वीट डिश बनाने के लिए या फिर चाय के लिए या हलवा बनाने के लिए किसी भी चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीनी एकदम बिल्कुल साफ़ है, नहीं तो आप इसकी दोबारा से छैना मुर्गी बना सकते हैं अगर आप यही मिठाई पसंद आती है दोबारा बनाना चाहते हैं तो। तो तैयार है बनकर हमारी छैना मुर्गी। मैंने इसको एक कांच के बाउल में निकाल लिया है। मैं आपको इसका एक पीस दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी ये छैना मुर्गी बनी है। तो जब भी कभी आपके घर में गेस्ट आए तो आप ये जल्दी से ये रेसिपी बनाकर आप उनके सामने रख सकते हैं। तो देखिएगा पक्का वो भी आपकी तारीफ करने से नहीं रुक पाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और ये मिठाई आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।